अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मयरिंग सिलेंडर। हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और टॉपिक था हमारा 1.6 मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने मयरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंथ को मयर करने वाले पढ़ लिए हैं, सॉलिड को मयर करने वाले पढ़ लिए हैं, मास मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, और अब है ये हमारा लिक्विड को मयर करने के लिए मयरिंग सिलेंडर, यानी सिलेंडर में किसी भी लिक्विड को डाल के मयर करना, मयर कैसे किया जाता है। इट इज यूज टू मयर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। हम लिक्विड को भी मयर कर सकते हैं और कोई अगर हमारे पास सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में है तो वो भी हम सिलेंडर में डाल के उसको भी हम माप सकते हैं, उसकी भी पैमाइश हो सकती है। इट ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड अनसॉल्युबल इन अ लिक्विड, कि ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में सॉल्व नहीं होते लेकिन इरेगुलर शेप के होते हैं उनका भी वॉल्यूम हम इसी सिलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो साइज में छोटे होने चाहिए जो सिलेंडर के अंदर डिप हो जाए, यानी कि सिलेंडर के अंदर कोई भी लिक्विड डाल के फिर हम उसमें जो भी इरेगुलर शेप का हमारे पास सॉलिड होगा उसको अंदर डाल के तो फिर हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इसका आगे मेथड में आपको बताऊंगी। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, जिसको समझना और याद करना आसान हो जाए। इट हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 ml टू 250 ml। ml यहाँ मिली लीटर के लिए है इस्तेमाल हो रहा। ये मुख्तलिफ कैपेसिटीज में आते हैं, यानी कुछ छोटे सिलेंडर भी होते हैं जो 100 मिलीलीटर तक मालूम कर सकते हैं और कुछ 250 मिलीलीटर तक इस जो लिक्विड को है माप सकते हैं। जो इस पे स्केल लगा हुआ होता है, स्केल इंडिकेट किया होता है, द स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट द वॉल्यूम मिलीलीटर। तो इसमें मिलीलीटर का स्केल जो है वो बना हुआ होता है, मिलीलीटर में जो लिक्विड है उसको माप सकते हैं। हाउ टू यूज, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसको वर्टिकली किसी सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर रखना चाहिए, यानी कि सरफेस जो है वो इरेगुलर ना हो बल्कि प्लेन हो, ताकि हम अगर उस पर रखें सिलेंडर को तो हम आसानी से अपनी जो वैल्यू है जो हम मयर करना चाहते हैं वो आसानी से हम मयर कर सकें। इट मस्ट बी कैप्ट वर्टिकली ऑन अ प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस के ऊपर इसको वर्टिकली रखना है। पोर सम वाटर इनटू इट, या इसमें फिर हम वाटर या जो भी लिक्विड हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मिलीलीटर्स में उसको हम इसमें डाल देंगे। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ अ लिक्विड इन द सिलेंडर इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल ऑफ लिक्विड। मींस आप अगर सिलेंडर में कोई भी लिक्विड डाल रहे हैं जिसको आपने जिसकी पैमाइश करनी है तो आप अपनी आंख भी यानी कि उसका लेवल देखने के लिए उसी लेवल पे रखें जिस लेवल पे वो लिक्विड आपको नजर आ रहा है। मींस के आप कभी भी नीचे वो लिक्विड के लेवल से नीचे हो के उसको ना देखे, ना ही ऊपर होके देखे, तो वो हमारी जो वैल्यू है वो गलत हो सकती है, जो पैमाइश हम कर रहे होते हैं उसमें माइनर सी मिस्टेक आ जाएगी। मयरिंग इरेगुलर शेप सॉलिड, तो इरेगुलर शेप सॉलिड को हम उसमें कैसे मालूम कर सकते हैं मयरिंग सिलेंडर में, क्योंकि वो तो लिक्विड को मालूम करने के लिए, लिक्विड को मयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो बॉडी जिसका हमने इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करना है उसको स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर जा सके। तो इसको मालूम इस तरह किया जा सकता है कि कोई भी आप स्मॉल सा स्टोन ले लें, पत्थर ले लें, क्योंकि पत्थर इरेगुलर शेप के होते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, एक स्मॉल स्टोन का हम वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे। टेक सम वाटर इन मयरिंग सिलेंडर, मयरिंग सिलेंडर में कुछ पानी भर लें, कुछ पानी ले लें। नोट द वॉल्यूम वी आई ऑफ वाटर, के वाटर का जो वॉल्यूम है यानी कि जितना हमने वाटर डाला है सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे वी आई, कि उसका वॉल्यूम क्या है। फिर हम उस स्टोन को वाटर के अंदर पुट कर देंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे और फिर हम दोबारा जो है उसका वॉल्यूम नोट करेंगे जो कि वी एफ होगा। तो क्योंकि जब हम पत्थर को अंदर डालेंगे तो पानी जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो जितना वॉल्यूम बढ़ा है, जितना वॉल्यूम बढ़ गया है उन दोनों का डिफरेंस यानी कि वी एफ माइनस वी आई। वी आई हमारे पास वो वॉल्यूम था जो हमने वाटर का पहले मालूम किया था और वी एफ हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया कि जो ऊपर बढ़ गया, अपग्रेड हो गया हमारा स्टोन अंदर डालने की वजह से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो स्टोन होगा उसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि स्टोन इरेगुलर शेप का है
तो उसका भी वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं इसी सिलेंडर के जरिए। तो सिलेंडर इस्तेमाल होता है लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं हमने पैमाइश करके किसी भी प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करने, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने, तो वो इसी सिलेंडर में डाल के हम उनकी पैमाइश करते हैं कि इतने मिलीलीटर इस तजर्बे के लिए या इस एक्सपेरिमेंट के लिए इतना लिक्विड इस्तेमाल हुआ है और इसकी पैमाइश ये है। या फिर कोई भी रेगुलर शेप की हम बॉडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ही प्रैक्टिकल में, कोई स्टोन या कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका भी हम वॉल्यूम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेयरिंग सिलेंडर।